हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास है ओप्पो A5 या फिर ओप्पो A5s डिवाइस और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को ColorOS 7 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर अभी तक ColorOS 6 की अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है, तो ColorOS 7 के अपडेट का बात क्यों कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ पे डिसलाइक भी मार सकते हैं, तो दोस्तों मैं वो चीज़ मायने नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आप लोगों के मन के क्वेश्चन को दूर करना चाहता हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों को यहाँ पे मन में क्वेश्चन है कि ColorOS 7 का अपडेट नहीं देखने के लिए मिलेगा या फिर अभी तक ColorOS 6 की अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है, तो ColorOS 7 का बात क्यों कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ColorOS 6 का ट्रायल वर्जन का अपडेट आप लोगों के डिवाइस में यहाँ पे नवंबर महीने के दौरान मिल चुका था, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है तो आप लोगों को फरवरी में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा फिर से ट्रायल वर्जन का, मतलब आप लोगों को फरवरी में कन्फर्म मिल जाएगा अगर जनवरी में देखने के लिए नहीं मिला तो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या ColorOS 7 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को ColorOS 6 के आप लोगों के सभी डिवाइसों में ट्रायल वर्जन का अपडेट देखने के लिए ऑब्वियसली मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ColorOS 7 का भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, वो ओप्पो के जो डेवलपर हैं उस पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ColorOS 6 की जो अपडेट है वो आप लोगों को मेरे को लगता है कि ट्रायल वर्जन का ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा, स्टेबल अपडेट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों की डिवाइस में स्टेबल अपडेट देखने के लिए इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे ओप्पो के F9 और F9 Pro में अभी तक स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है ColorOS 6 का, तो आप लोगों की डिवाइस में कम ही चांसेस है कि आप लोगों की डिवाइस में स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को ट्रायल वर्जन से ही अपडेट रखना चाहिए और अपडेट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ हमें डायरेक्ट स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिले तो आप लोगों को स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिल सकता है अगर आप लोग ColorOS 7 का अपडेट पाना चाहते हो तो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ColorOS 7 की अपडेट ऑब्वियसली देखने के लिए मिलना चाहिए, अगर आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो वो भी आप लोगों को स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोगों को ट्रायल वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है तो फ्यूचर में आप लोगों को स्टेबल अपडेट ओप्पो की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन आप लोगों को ट्रायल वर्जन का अपडेट जरूर से जरूर देखने के लिए मिलना चाहिए। वैसे फ्यूचर में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अगर रिलीज डेट की बारे में बात करें तो आप लोगों को mid-2020 में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है ColorOS 7 का। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मुझे आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब